उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 भर्ती प्रक्रिया में आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और आपका सिटी कौन सा रहेगा, कहाँ पे है और क्या वजह से है, सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लग के लास्ट तक का देखते रहें दोस्तों। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका वेस्ट जंक्शन में। आप इस वीडियो को शुरू से लग के लास्ट तक देखते रहें जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका सेंटर 2018 के लिए किस सिटी में और कब रखा गया है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि अभी पुलिस का, यूपी पुलिस का ये कंफर्म नहीं था कि डेट कब एग्ज़ाम होने वाला था, कैसे क्या कुछ था। अभी इसके पहले 9 जून और 10 जून को कंफर्म कराया गया था कि मतलब बोर्ड पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 9 या 10 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब लोगों ने देखा होगा, आपका ये एग्ज़ाम टल चुका था और यह एग्ज़ाम अब होने वाला है 18 और 19 जून को। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपका परीक्षा था वो अब टल करके 18 और 19 जून को करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब कब होने वाला है और आपकी सिटी कौन सी है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या होना चाहिए। आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है और क्या वजह से है। चूँकि मैं बताना चाहती हूँ बहुत ही फ्रेश जाने वाली है दोस्तों, तो आप लोग अपनी तैयारी को भड़ा करके रखें। यह परीक्षा 18 जून और 19 जून को दो दो शिफ्टों में करके रखी गई है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनका 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 19 जून को इनका एग्ज़ाम है, शिफ्ट एक में है, 120 मिनट का परीक्षा होगा, 10 बजे से एग्जाम टाइम स्टार्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से है। इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों मैं अपना इसका चीज़ में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो साइट का लिंक डाल दूंगा, आप यहां से इसको अपना एग्जाम सिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में डाले हुए लिंक को फॉलो करें और उसके दिए गए स्टेपों को फॉलो करें, आप अपना एग्जाम सिटी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम सिटी प्राप्त करने का अंतिम तारीख 14 जून रात 11:55 तक है और यह कल शाम 5 बजे से, यानी कि 5 जून 2018 को शाम 4 बजे से पब्लिक कर दिया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन करके अपना देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों मैं अपना इसका चीज आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस पे आकर के लॉगिन करना होगा दोस्तों। तो इसमें कैसे लॉगिन करना है, क्या कुछ है, सारा कुछ वगैरह मैं आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों। तो कहीं आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जिससे आप लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है और इसमें 0.5 का माइनस मार्किंग रखा गया है दोस्तों। तो इसको देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने इस पोर्टल पर जाइए और यहाँ पे देख रहे होंगे सर्वर पर, उन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्वर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। इस इंस्ट्रक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर विंडो देख पा रहे होंगे। तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके मैंने अपना यहाँ पर लॉगिन कर लिया है दोस्तों, आप इसको देख पा रहे होंगे। इसके बाद जैसे ही खोलेंगे आगे, तो आगे जाएगा ना, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा था और नीचे डेट ऑफ बर्थ पड़ा है। इसी के बाद जब आप अगला स्टेप खोलेंगे तो आपका सारा चीज़ मिल जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ जैसे फॉर्मेट में दिया ना वैसा ही डालिए, जैसे ही इसे फॉर्मेट में डालेंगे तो मिल जाएगा, बस लॉगिन करना है। इसके बाद लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आपको मेन वेबसाइट पर लेके जाएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे अपना मतलब जो भी है आपका ब्यौरा देगा, तो आप ब्यौरा देख करके आप जान सकते हैं। देखिए आपका जैसे कि इसमें दिखा रहा है ना ये वाला, वैसे ही आपका भी ब्यौरा दिखाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम डेट आपका 19 जून को है, शिफ्ट 1 में है, और जो भी है जैसे कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 120 मिनट, एग्ज़ाम टाइम 10 AM, रिपोर्टिंग टाइम 8 AM, गेट क्लोज्ड 9:30 AM, ऐसा ही करके जैसे एग्ज़ाम सिटी इनका देवरिया में रखा गया है, आपका भी एग्ज़ाम सिटी अलग अलग जिला प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, तो आपका भी वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। बाकी किसी भी चीज़ की समस्या हो रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे समस्याओं का हल आपको बता दूंगा जैसे भी संभव होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों का इस पता चल सके और अपने सभी लोग अपने एग्ज़ाम सिटी को देख लें जिससे उन्हें पहुँचने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप यह चीज़ को अवश्य करें और इस वीडियो को बहुत दोस्त से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन भी दबाकर रखें जिससे कि सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखने का मौका मिले दोस्तों।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, जिससे अनेक लोगों को फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी था दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे कि अभी एग्ज़ाम सिटी आपके लिए कंफर्मेशन हुआ, कौन से प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न है, तो इसमें कुल बता देना दोस्तों, 2 नंबर का एक प्रश्न दिया गया है, कुल 150 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का है, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, और आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क काट लिए जाएंगे, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।